ठीक है, आपने इस तरीके से लेना है सेक्शन को और आपने इसको इस तरीके से लाइट से ट्विस्ट देना है एंड देन आप इसको एडजस्ट करेंगे। आप वाले हेयर स्टाइल को अच्छे से कर्ल से कर्ल करेंगे, स्ट्रेटनर से कर्ल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कैसे होंगे। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के साथ ब्राइडल हेयर स्टाइल शेयर करूँगी जो कि बहुत ईजी टेक्निक से मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आपने एयर टू एयर पार्टीशन करना है, आपने एयर टू एयर सेक्शन करके इस तरीके से आपने यहाँ पर हाई कोनी बनानी है। ठीक है, हम डोनट सेटिंग करेंगे। डोनट सेटिंग के लिए हमें हाई पोनी जो है बनानी है यहाँ पे, ताकि हम उस पर डोनट सेट कर सकें। सही है, सबसे पहले तो आपने इस तरीके से यहाँ पे हाई पोनी बनानी है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डोनट सेट करेंगे। मेरे पास मीडियम साइज़ का डोनट है जिसको मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से हाइट पर लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पर होता है तो जुड़े का लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर सेट करना है और ये फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पे कोई बात नहीं तो इस तरीके से आप इसको बैंड कर लें एंड देन आपने यहाँ पे जो हमारे पास बाकी हेयर्स हैं इनको हम यहाँ पे सिंपल छोटी बना के एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है और आप इसको पूरे इसमें एडजस्ट कर लें। ठीक है, छोटी बना के आपने इसको इसके साथ इस तरीके से राउंड में आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर फिक्स करूँगी जुड़ा पिन की हेल्प से। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा पिन को हम अच्छे से फोर साइड से फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आप अच्छे तरीके से आपने फिक्स करना है। अब हम ये वाली साइड से भी इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। इस तरीके से हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, हमारा डोनट सेट हो गया। हम फ्रंट पर आ गए हैं, फ्रंट पर पार्टीशन करना है आपने माउंट टीका सेट करने के लिए। ठीक है, बिंदिया सेट करने के लिए आपने यहाँ से सेक्शन आपने इस तरीके से सेंटर पार्टिया करना है। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बिंदिया सेट करूँगी इस तरीके से अच्छे से। आपने इसको मैंने इनविजिबल की हेल्प से इसको जो है थोड़ी सी इसकी लेंथ लंबी कर ली थी। ठीक है, ताकि हमारी बैक साइड तक की बिंदिया एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पूरा एडजस्ट करूँगी और इसको अच्छे से फिक्स कर लूँगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन लेना है बैक से। ठीक है, इतना आप सेक्शन लेंगी और इसमें आप नेचुरल बैकग्राउंड करेंगी टाइटली रूट्स तक। ठीक है, ताकि हमारी जो बिंदिया है वो एक जगह जो है वो जो है फिक्स हो जाए और वो इधर उधर ना हिले। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे नेचुरल बैकग्राउंड करना है। देन हमने क्या करना है, साइड पार्टीशन करेंगे। ठीक है, बिंदिया मैंने सेट कर ली है। अब हमने साइड पार्टीशन में हमने हेयर स्टाइल बनाना है ब्राइड का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेक्शन लेंगे और हमने इसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम बैक से करेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ फ्रंट से भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रूट्स पे हमने बैक कॉम्बिंग करनी है बहुत अच्छे से, ताकि हमारी यहाँ पे फिक्स अच्छी सी हाइट भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ही देखें आप, हाइट हमारी आ गई है। अब हमने हेड डाउन कराना है और यहाँ से भी सेक्शन लेना है और यहाँ पर भी हमने लाइट लाइट नेचुरल बैक कॉम्बिंग करनी है इस तरीके से हाइट पर। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन लेती जाएं आप और आपने लाइन टू लाइन पूरे फ्रंट पे बैक वार्मिंग करनी है। ठीक है, नेचुरल बैक वार्मिंग आप पूरे में कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सेक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ से आप सेक्शन लेंगी और आपने इसको इस तरीके से लाइट का ट्विस्ट करना है एंड देन आप इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगी। ठीक है, इस तरीके से लाइन टू लाइन आप करती जाएंगी एडजस्ट और इसको पिन से जो है फिक्स करती जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, लुक मेन आपने सेक्शन लेना है ठीक है और इसको लाइट साइड ट्विस्ट करेंगी आप। ट्विस्ट करते हुए आपने इसको फ्रंट पे लेके आना है। ये देखनी है आप, हाइट हमने रखनी है, हाइट के साथ हमने साथ साथ लुक देना है प्रॉपर और इसको हम लाइट लाइट यहाँ से एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, अगेन हमने यहाँ से सेक्शन लेना है, इसको लाइट से हाइट पे लेकर आना है और फिनिशिंग के साथ लाइट से हम ट्विस्ट करेंगे इसको। इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हमने इसकी एडजस्टमेंट करती जानी है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ आप ये देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको सेक्शन को एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगेन आपने सेक्शन लेना है, यहाँ से आप सेक्शन लेंगी ठीक है फिनिशिंग के साथ और आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, लाइन टू लाइन लेते जाएं, सेम आप इसको एडजस्ट करते जाएं। फिनिशिंग के साथ आपने पूरे लेयर को अच्छे से आपने इसको लेना है और फिनिशिंग के साथ आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें इसमें लाइंस कितनी हमारी अच्छी और ब्यूटीफुल से लग रही हैं। आपने लाइन टू लाइन लेते जाना है इसमें सेक्शन को और आपने इसको एडजस्ट करते जाना है इस तरीके से। ठीक है,
बहुत इजी और स्टाइलिश सा ब्राइडल हेयर स्टाइल है जो कि आप बना सकती हैं इजी वे में। ठीक है, आपने इस तरीके से लेना है सेक्शन को और आपने इसको इस तरीके से लाइट से ट्विस्ट देना है एंड देन आप इसको एडजस्ट करेंगी। व्यूअर्स, वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास न्यू से न्यू मेरी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करती जाएँ लाइन टू लाइन, इतना ही सेक्शन आप लें जितना एडजस्ट इजीली हो जाए। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी आपने लेयर नहीं लेनी, थोड़ी थिक लेनी है, फिन लेनी है ताकि आपकी लेयर्स अच्छे से इन्हेंस हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हमने लेयर्स छोड़नी है क्योंकि हम ये कर्ल करेंगे। ठीक है, और हमने इस तरीके से यहाँ से सेक्शन लेना है, इसको लाइट से हम यहाँ से कर्ल करेंगे और ट्विस्ट करेंगे सॉरी। ठीक है, और इसको एडजस्ट करते जाएंगे। मैं कितना लाइट हैंड से इसको एडजस्ट करी ताकि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल कहीं से भी स्ट्रेच ना हो और फिनिशिंग के साथ हमारी लेयर्स क्रिएट होती चली जाएं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ आने के बाद हमने इसको पूरा यहाँ से सेक्शन लेना है और हमने इसको इस तरीके से फिनिशिंग लेकर आकर इसको यहाँ से इस तरीके से फिंगर्स पर फोकस करिएगा। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है, इस तरीके से फ्रंट पर आपने देखना है रख के। ठीक है, और उसके बाद आप इसको एडजस्ट करेंगी फिनिशिंग के साथ। रखिए रखिए, मैंने इसको सेट किया है ताकि कहीं से भी हमारा हेयर स्टाइल लूज नहीं हो। ये देखिए आप इसका लुक। ठीक है, जहाँ से आपको ज़्यादा हाई लग रहा है वहाँ से आप इसको पिन से अच्छे से फिक्स कर दें। ये देखिए, अब आप से फ्रंट से लेयर्स चेक करें। हमने लेयर्स लेनी है और इसको हमने इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट करते हुए आपने इसको इसके साथ एडजस्ट करना है। आप इस तरीके से आप इसको फिक्स करेंगी और ये वाले जो हेयर्स हैं हमारे पास, पहले तो हम इसको क्रॉस निपिंग कर देंगे ताकि हमारा ये लूज नहीं हो। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाले हेयर्स हैं इनको हम बैक साइड पे पूरा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम इसको पूरा बैक साइड पर ले जाएंगे। अच्छे से आप इसको फिक्स कर लें। ठीक है, और हमारे पास जो ये वाले हेयर्स हैं इनको हम इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए इजी वे में पूरा हम इसको बैक साइड से पूरा ट्विस्ट कर देंगे क्योंकि आपको पता है ब्राइट के आप जब हेयर स्टाइल करते हैं उसके बाद दुपट्टा जब हमारा सेट होता है तो बैक साइड से सब हाइड हो जाता है तो ये हमारी ट्विस्टिंग नज़र नहीं आती। जुड़ा पिन की हेल्प से हम इसको फिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए जुड़ा पिन एक मैंने ऊपर लगा दी, हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर फिक्स करेंगे अगेन, हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए हम अच्छे हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं, इनको हम अच्छे से कर्ल करेंगे, स्ट्रेटनर से कर्ल करेंगे। अगर आप कर्लर से करना चाहें तो कलर से भी कर सकते हैं बट मुझे इजी लगता है स्ट्रेटनर से कर्ल्स करना, स्मूथली इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर्ल कर दिया है। ठीक है, ये वाली साइड से भी हम कर्ल करेंगे बहुत ईजी वे में पूरा। ठीक है, स्मूथली डाउनवर्ड लेकर आएंगे और इस तरीके से पूरा कर्ल कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा हेयर स्टाइल डन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बोथ साइड्स हमारी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आज का हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।